शेन वॉन के निधन के सिर्फ 2 महीने बाद ही क्रिकेट जगत में एक बार फिर से शोक की लहर दौड़ गई, जब ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का 46 साल की उम्र में कार दुर्घटना की वजह से निधन हो गया। जी हाँ गाइज, एंड्रयू साइमंड्स एक ऐसे क्रिकेटर थे जो धाकड़ स्टाइल में क्रिकेट खेलने के साथ ही मैदान पर विरोधियों से उलझने के लिए जाने जाते थे, और जब भी वो क्रिकेट के मैदान पर होते थे तो अपना सब कुछ झोंक देते थे। उनकी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सब में पूरी मेहनत दिखती थी, और उनकी यही मेहनत विरोधी खिलाड़ियों पर स्लैजिंग में भी दिखती थी। यही नहीं, अगर T20 फॉर्मेट थोड़ा जल्दी आता तो साइमंड और भी ज्यादा पॉपुलर हो सकते थे, लेकिन फिर भी वो अपने रिटायरमेंट से पहले IPL में डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस टीम का भी हिस्सा बन चुके थे। गाइज, 2009 में उनका क्रिकेट करियर खत्म हो गया था और अब वो इस दुनिया को भी छोड़कर चले गए हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दोस्तों, IPL 2022 में इस बार एक खिलाड़ी ऐसा है जिसके घर वालों को पता ही नहीं है कि वो IPL में खेल भी रहा है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक सुन रहे हैं, ये खिलाड़ी कोई और नहीं, किंग्स 11 पंजाब के जितेश शर्मा है, जिन्हें पंजाब टीम ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। दरअसल जितेश ने क्रिकेट सिर्फ इसलिए शुरू किया था कि वो सेना की भर्ती के लिए स्पोर्ट कोटा के माध्यम से ग्रेस लेना चाहते थे, लेकिन ग्रेस के चक्कर में हुआ कुछ यूं कि जितेश की इतनी क्रिकेट प्रैक्टिस हो गई कि उनका सिलेक्शन मुश्ताक अली टूर्नामेंट में हो गया, जहां उनके शानदार प्रदर्शन ने IPL की फ्रेंचाइजी का ध्यान अपनी ओर खींचा और उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन परिवार वाले अभी भी इस बात से अनजान थे और जितेश ने भी ये बात अपने घर वालों को नहीं बताई। और कुछ महीनों पहले जब जितेश का सिलेक्शन IPL के लिए हुआ, तब भी जितेश की माँ और उनके परिवार को पता भी नहीं था कि उनका बेटा IPL खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, वजह जो भी रही हो, जितेश की लाइफ अब बुलंदियों पर पहुंचने वाली है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।